नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। जहां तक हम सभी ने अभी तक देखा था दोस्तों कि श्रीलंका के काफ़ी सारे खिलाड़ी और कोच कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सीरीज को आगे बढ़ाना पड़ गया था। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, RT-PCR परीक्षण में श्रीलंका के सभी क्रिकेट खिलाड़ी की COVID-19 की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दोस्तों, सीनियर खिलाड़ी कुशल परेरा, दुश्मन चमेरा और धनंजय सिल्वा सहित श्रीलंका की टीम में शामिल सभी खिलाड़ी भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से पहले नवीनतम RT-PCR परीक्षण में COVID-19 नेगेटिव पाए गए हैं। ये परीक्षण श्रीलंका क्रिकेट ने कराए थे। अब उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों को सोमवार को जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में प्रवेश की स्वीकृति दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन से आने के बाद एक हफ्ते का कड़ा पृथकवास पूरा कर लिया है। बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर और डाटा विश्लेषक जीटी निरोसन के अलावा एक अन्य जैविक रूप से सुरक्षित माहौल का हिस्सा रहे खिलाड़ी के COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद जुलाई से शुरू हो रही श्रृंखला को अब 5 दिन बाद 18 जुलाई से खेला जाएगा। SLC के एक सूत्र ने PTI को बताया, सामान्यतः पॉजिटिव नतीजा आने के बाद ही हम इसकी घोषणा करते हैं। कल एक और दौर के RT-PCR परीक्षण हुए थे और इसका नतीजा आज आना था। पॉजिटिव मामला होने पर ही हमें नतीजा भेजा जाता है। उन्होंने कहा, हमें पॉजिटिव नतीजे की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, जो सामान्य तौर पर दोपहर तक मिल जाती है। माना जा सकता है कि सभी खिलाड़ी नेगेटिव पाए गए हैं। जहां तक संशोधित ट्रेनिंग कार्यक्रम का सवाल है, तो माना जा रहा है कि श्रीलंका की टीम यहां और प्रेमदासा स्टेडियम में अभ्यास करेगी, क्योंकि भारतीय टीम सिंगल लीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सूत्र ने बताया, अगर सब कुछ सही रहा तो ब्रिटेन से लौटे खिलाड़ी कड़े पृथकवास से निकल जाएंगे और जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में प्रवेश करेंगे। नियमों के अनुसार प्रशिक्षण जारी रहने की उम्मीद है। जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में प्रवेश के बाद खिलाड़ी कम से कम एक दूसरे के कमरों में जाकर एक दूसरे से मिल सकते हैं। साथ ही खिलाड़ी जिम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आउट ट्रेनिंग और नेट अभ्यास के भी अगले 48 घंटे से शुरू होने की उम्मीद है। तो साफ है कि श्रीलंका के प्लेयर अब एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे और ये बहुत अच्छी खबर है कि कोई भी खिलाड़ी कोरोना वायरस से पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।